एक्सप्रेस न्यूज। मिर्जापुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पहली बार आने के उपलक्ष्य में बसपाइयों में हर्ष देखा गया। प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर चिंता जाहिर की, साथ ही कहा कि केंद्र सरकार जुमलों की सरकार है। अब उत्तर प्रदेश में किसी के साथ यदि हम समर्थन या गठबंधन करते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा उस पर कटाक्ष किए जाते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ छोड़ने के पीछे कोई नई जुमलेबाजी योजना होगी। पीडीपी से अलग हुए लोगों ने 3 साल तक जम्मू कश्मीर में मलाई काटने का काम किया है। जनता अब समझ चुकी है, आने वाला समय हमारा होगा और हमारी पार्टी का ही होगा। देखिए, आज यहाँ मिर्जापुर जनपद की संगठन की समीक्षा करने आए हैं। अभी जिले से लेके विधानसभा सेक्टर किया है, उसमें कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो नहीं रह गया है, उसकी समीक्षा करने आए हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी और मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत करके और पूरे देश का जो माहौल है आज कर्नाटक से लेकर के जो माहौल पैदा हुआ है उससे लगने लगा है कि हम सब की नेतात्रियां बहन जी निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व करेंगी। जंगल राज कायम है, बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ा है, नाबालिग बच्चियों से लेकर के छात्राएं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरेआम डकैतियां हो रही हैं, क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस सबका खामियाजा देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। अरे है तो जो लोग कहते थे कि अभी साहब 19 में मोदी साहब आएंगे, आज देश के सब समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर के खड़े हो गए हैं। अब कितना भी कुछ कर लें लेकिन हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बचा पाएगी। क्या करके सरकार चला रहे थे, 3 साल सरकार चला रहे थे, आज कोई नया सगुफा तैयार किए होंगे इसलिए समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन उससे कोई फायदा इनको मिलने वाला नहीं है। सिपाही बहुजन समाज पार्टी, आज हम लोगों के नेता माननीय आर्यस कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष बसपा, जिस पर बहन जी ने भरोसा करके इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आज वो आए हुए हैं। आज मिर्जापुर में हजारों के हजारों संख्या में लोग यहाँ रिद्धि सिद्धि में पूरा भीड़ हो गई है, यहाँ गर्मी नहीं कंट्रोल हो पा रही है। तो हम लोग ने कमर कसी है कि 2019 में माननीय बहन जी को पूरी ताकत से जिताना है, उनको प्रधानमंत्री बनाना है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को और उनके साथ साथ आए तमाम कोऑर्डिनेटर का मिर्जापुर नगर विधानसभा में बहुत बहुत हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने आशा पाल रखी होगी उस पर हम लोग पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे।